What is the output of given programs? Again, we are executing this program sequentially one by one. Previous case में series को increase किया था in increasing order और display करा था in increasing order like that 1, 2, 3. But in that case decreasing order just reverse like a 3, 2, 1 and so on whatever. Next again same फिर से provide क्या करेंगे इस case में memory allocation और stack आउटपुट डिवाइस मॉनिटर ऑलरेडी डिस्कस किया था किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का सॉल्व करने का सबसे सिंपल वे क्या है राइटिंग सोर्स कोड ऑफ द प्रोग्राम क्रिएटिंग सम डायग्राम और मॉनिटर और मेमोरी एलोकेशंस देन प्रोग्राम को वन बाई वन एग्जीक्यूट करना पॉसिबल है सिक्वेंस प्रोवाइड करेंगे जिससे कभी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होंगे फर्स्ट वन मेन फंक्शन के हेडर पार्ट से स्टार्ट करेंगे सिक्वेंस मार्क किया जाए 1 उसके बाद कंट्रोल कंसेंट वो इनसाइड बॉडी ऑफ मैन सेकेंड केस में परफॉर्म किया हुआ मेमोरी एलोकेशन ऑफ वेरिएबल ए विद इनिशियल वैल्यू एज गार्बेज नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद कंट्रोल जब नेक्स्ट स्टेट में सेंड हुआ फॉर लूप लेकिन फॉर लूप के अंदर टोटल 3 सेशन है इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट इक्विवेलेंट ऑलरेडी इसका सिक्वेंस डिस्कस किया था फर्स्ट सिक्वेंस में सबसे पहले चांस किसको मिलेगा इनिशियलाइजेशन सेशन देन कंडीशन टेस्टिंग देन बॉडी एग्जीक्यूशन के जस्ट बाद परफॉर्म क्या कराएं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन देन इनिशियलाइजेशन सेशन लाइफ में ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट करेंगे सिक्वेंस क्या है इसका थर्ड सिक्वेंस के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट है a = 3 इसके अकॉर्डिंग a का वैल्यू इनिशियलाइज होगा करेंटली 3 देन कंडीशन टेस्टिंग सिक्वेंस क्या है इसका 4 सिक्वेंस में कंडीशन टेस्ट कराएंगे कंडीशनिंग क्या है इस केस में a > 0 जब भी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो करेगा हमेशा परफॉर्म क्या होगा माइनस प्लस कंपैरिजन किससे होगा ग्रेटर देन से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब भी सीरीज ग्रो करेगा उसके इसमें ऑपरेटर कौन सा होगा लेस देन कंपैरिजन किससे कराएंगे लेस देन से प्लस परफॉर्म क्या होगा a++ इन केस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ए का करंट वैल्यू क्या है 3 रिप्लेस 3 > 0 ए के प्लेस पर रिप्लेस कराए ए का करंट वैल्यू कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू होने के इसमें कंट्रोल कांस्टेंट हुआ इनसाइड बॉडी में सिक्वेंस मार्क करेंगे इसको एज 5 बॉडी सेशन में ए का वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है प्रिंटफ के थ्रू ए का करंटली वैल्यू फाउंड हो रहा है 3 रिप्लेस कराएं 3 प्रिंटफ 3 देन बॉडी एग्जीक्यूट होने जस्ट बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन सिक्वेंस s6 a --, इससे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 because a --, is equivalent to a = a-1 इनिशियल वैल्यू क्या था 3 > 3 - 1 = 2 नेक्स्ट वन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाद नेक्स्ट 7th प्लेस पर एग्जीक्यूशन किसका हुआ अगेन कंडीशन टेस्टिंग कंडीशन टेस्ट कराएं अगेन a > 0 a के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे a का करंट वैल्यू 2 लाइक दैट 2 > 0 कंडीशन इज अगेन ट्रू कंडीशन ट्रू है देन अगेन चांस किसको मिलेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक एग्जीक्यूशन किसका हुआ बॉडी पार्ट का लेकिन करंटली अब प्रिंटफ के केस में ए का वैल्यू क्या रिप्लेस करा हुआ 2 तो करंटली क्या फाउंड हो रहा है 2 प्रिंटफ 2 प्रिंट होने के जस्ट बाद देन अगेन कंट्रोल सेंड होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन फाउंड क्या हो रहा है सिक्वेंस क्या था प्रिंटफ का 8 / 7 का 9th केस में अगेन डिक्रीमेंट a --, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 9th के बाद 10th केस में परफॉर्म क्या हुआ कंडीशन टेस्टिंग a > 0 a का वैल्यू फाउंड हो रहा है मेमोरी के अंदर 1 > 0 कंडीशन अगेन ट्रू है तो फिर से बॉडी सेशन एग्जीक्यूट करेंगे प्रिंटफ वैल्यू ऑफ a और a का वैल्यू क्या है 1 इसलिए प्रिंटफ में क्या रिप्लेस हुआ 1 इसलिए प्रिंटफ से डिस्प्ले क्या हो जाएगा वैल्यू एज 1 10th के बाद सिक्वेंस क्या था 11 के बाद नेक्स्ट सिक्वेंस क्या है 12 प्लस कंडीशन के बॉडी के बाद कंट्रोल सेंड करें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मींस एज 12th इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में a --, हुआ इसलिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 अगेन 12 के बाद 13 केस में परफॉर्म क्या कराएंगे कंडीशन टेस्टिंग कंडीशन टेस्ट करेंगे कंडीशन में a का वैल्यू क्या रिप्लेस होगा 0 कंडीशन इज फॉल्स होने के इसमें कंट्रोल सेंड करेंगे आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप बॉडी पार्ट में मींस सॉरी आउटसाइड बॉडी के अंदर ओनली सिंगल स्टेटमेंट था प्लस 13 का इसका सिक्वेंस कौन सा 14 देन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फिनिश हो चुका है एज 15th केस लेकिन आउटपुट क्या प्रिंट हुआ है इस केस में 3, 2, 1